नमस्कार, द सिस्टम फाइल्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं अविनाश वसन। जिला राजौरी के टीसीपी अल्फा गेट के पास फायरिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल होने वाले अनिल कुमार को आज 21 दिन बाद जीएमसी राजौरी से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिला राजौरी के फलाना के पास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तीन युवकों के ऊपर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में दो लोगों की मौके पे ही मौत हो गई थी, जबकि अनिल कुमार गंभीर रूप से इस गोलीबारी में घायल हुए थे, जिसके बाद इनको जीएमसी राजौरी में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद से ही इनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। आज 21 दिन के बाद इनको जीएमसी राजौरी से छुट्टी दे दी गई है। पेश है टीएसएफ संवाददाता लियाकत अली खटाना की जिला राजौरी से खास रिपोर्ट। मैं डिस्ट्रिक्ट अनिकेत का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ अल्फा गेट पे एक सर्विसमैन ताई परवेज की शॉप पे सेल्समैन करता था। तो 16 तारीख को सुबह तैयार हो रहा था, तो सुबह मेरे संगे हादसा हो गया। मेरे रूम पे दो सिविलियन आए हैं 100 लौट के, तो उन लोगों ने मुझ पर फायरिंग किया, तो मैं बहुत घायल हो गया हूँ। मुझे क्या पता नहीं, मेरे दोस्तों लोग मुझे उठा के लाए हैं, जीएस लेके गए हैं जीएस में आर्मी हॉस्पिटल में। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कब यहाँ हॉस्पिटल लाया, पता नहीं, होश नहीं है। और तो मैं यहाँ लाने के बाद जब शाम को होश में आया, शाम को 5-6 बजे में मैं होश में आया था, उस टाइम मेरे को पता चला कि मेरा ऑपरेशन हो गया, ये हुआ है। उसके बाद मुझे पता चल रहा है, बाकी डॉक्टर गोपाल साहब, डॉक्टर विकास साहब, यहाँ के सुपरिटेंडेंट महबूब साहब जी और प्रिंसिपल साहब, इन लोगों ने मेरा बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया। पूरा आईसीयू स्टाफ ने मेरा इतना अच्छा ध्यान रखा, मैं अंत से बहुत खुश होता है, इसलिए जल्दी से ठीक भी हो गया सर। और मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ पूरे स्टाफ का। नहीं तो इतना कोई नहीं करता साहब, नहीं तो राजौरी में जो है मेरे को यहाँ इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला, पूरा ट्रीटमेंट फ्री किया गया है, मेरे खाने की व्यवस्था, और दिन में साहब लोग जो भी हैं, अपने सुपरिटेंडेंट साहब, प्रिंसिपल साहब और डॉक्टर गोपाल साहब और विकास साहब, बाकी ऑल स्टाफ पूरा मुझे पूरा दिन में पूरा पूछने आते थे, भाई कैसा अनिल क्या है, हंसाते थे, और मुझे जो भी है पूरा सही तरीके से ट्रीटमेंट किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई लोग भी इधर आए हैं मेरे लिए, उत्तराखंड से आए सब रानीखेत से, और आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत खड़ा भी हो पा रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, और इनकी मेहरबानी है साहब पूरी। और राजौरी GMCR बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का, ऐसे स्टाफ ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है। हमारे पास युवा अनिल कुमार उत्तराखंड से आया था, जो आपको पता ही है कि 16 तारीख यानी दिसंबर की 16 तारीख को एक घटना घटी थी, फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें ये बुरे तरीके से जो है वो ज़ख्मी हुआ था। इसको घायल कंडीशन में एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC राजौरी में लाया गया। यहाँ पे डॉक्टरों ने देखा, जब इसका पल्स, BP ये सब चीज़ें रिकॉर्डेबल नहीं थी, इसके जो भी लाइफ पैरामीटर्स हैं बिल्कुल डाउन चल रहे थे, और इमीडिएटली इसको हमने अपने ट्रामा रूम में शिफ्ट किया, और हमारी जो डेडिकेटेड टीम है डॉक्टर्स की और पैरामेडिक स्टाफ की और नर्सिंग की, उन्होंने इसको रिवाइव किया, रिससिटेट किया। उसके बाद ये निर्णय लिया गया डॉक्टरों की टीम के द्वारा कि हम इसको इमीडिएटली जो है वो सर्जरी थिएटर में शिफ्ट करें, और इसको सर्जरी की आवश्यकता थी। हमारे वर्दी प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर AS भाटिया और मैं खुद ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुपरवाइज कर रहे थे इस पूरी घटना को, तो इसकी ट्रीटमेंट को, तो इसमें जो है इसका एक बुलेट इंजरीज थी, मल्टीपल बुलेट इंजरीज थी अब्डामन में और चेस्ट में, इसके लंग की भी इंजरी थी और इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनमें भी इसके इंजरीज थी, और ये 5 घंटे की जो है वो सर्जरी चली हमारे डॉक्टर्स की टीम ने, और उसके बाद ये हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट रहा है 3 हफ्ते तक। तो पहले 3 दिन 72 घंटे तक जो है वो इसको हमने लाइफ सपोर्ट पर भी रखा, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो ये रिकवरी इसकी स्टार्ट हुई। तो आज 3 हफ्ते के बाद जब ये इस कंडीशन में है कि हम इसको घर भेज सकें, आज हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, और हमारे डॉक्टर्स की टीम जो है, पैरामेडिक्स की टीम, ये बड़ी खुश है कि हमने इसकी जान बचाई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स की टीम है, हमारी अध्यक्षता में जो काम कर रही है, हमारे प्रिंसिपल की जो सुपरविजन में काम कर रही है, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, फैकल्टी हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, तो ये बढ़िया काम कर रहे हैं, और इनकी एफर्ट्स के
कारण जो है हम इस व्यक्ति को जो है इतनी घायल कंडीशन में लाया गया, इसको हम आज बचा पाए हैं और हमें ये आज हमारे लिए एक बड़े जो है वो खुशी का अवसर है कि हम इसकी ज़िंदगी बचा के इसके हम घर वालों के हैंडओवर कर रहे हैं। इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा सहयोग किया और पुलिस अधिकारी भी हमारे पास आते रहे, जो कोई यहाँ पे उस दिन भी या क्राउड कंट्रोल की बात हो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो, सब ने ब्लड डोनेशंस भी जो बढ़ चढ़ के किया। तो डीसी साहब भी यहाँ पे दो या तीन बार इनको जो है वो देखने आए हैं एसएसपी के साथ। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में जो है बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है की है ये एक, और ये एक रूटीन में हम ये करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भी हमारे ऊपर जो है वो लोगों का ऐसा विश्वास बना रहे और हम डेडिकेशन से जो है वो सोसाइटी को सर्व करते रहें और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है हमारा अच्छे से जो है वो क्वालिटी केयर सर्विसेज हम लोगों को। तो इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, ये शॉक में थे और बिल्कुल समझ लो बेहोश थे और इनको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही थी। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने इनका पूरा ध्यान रखा, इनको रिसेसिटेट किया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस सर, प्रिंसिपल सर सब यहाँ पे पहुँचे मौके पर और इसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिलवाई। हमने इसको सर्जरी की, सर्जरी में इसको अंदर तीन चार जगह गट में इंजरी थी, आंतड़ियाँ फटी हुई थी, इसका लीवर फटा हुआ था और इसके जो फेफड़ा है एक फेफड़े में चोट लगी थी जहाँ से इसको ब्लीडिंग हो रही थी। हमने वो सारी चीज़ें कंट्रोल की, जहाँ जहाँ से इसको ब्लीडिंग वगैरह थी वो सारा बंद किया और फिर ये हमारे पास दो दिन लाइफ सपोर्ट मेडिसन्स के ऊपर रहा। उसके बाद यहाँ पे हमारे आईसीयू वाले स्टाफ ने और हमारे सारे डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल वालों ने पूरी इसका जितनी हेल्प हो सकती थी कि सारी दवाइयाँ वगैरह हमने इसको यहाँ से प्रोवाइड की और आज ये बिल्कुल ठीक होके जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा खुशी हम अस्पताल वालों को है, हम डॉक्टर्स को है कि हमने एक पेशेंट की जान बचाई है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती।